normal. इस वक्त हम चेन्नई में एरदलो थेमेरु कोट के ऊपर हैं। इसके बारे में बहुत मशहूर है, बहुत पुराना कोट है ये। किसी ज़माने में यहाँ लोग ये चोरी और डाकाजनी के डर से अपनी चीज़ें यहाँ छुपाते थे। और कहीं का कहना है कि इधर इन पत्थरों के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, वो सामने फेना ही का एक गांव है दनल, और ये साथ ये रिवर अस्तोर है, जाके बोंजी के मकाम पे, थलीज के मकाम पर दरिया सिंध से मिलता है। सामने जो दो गांव, ये बुलंद है, एक बुलंद पाला है, एक बुलंद पाइन है। शना में अस्तोरी में इसको कहते हैं अजीन बुलंद, खरीन बुलंद। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त, और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें कितना बेहतरीन मौसम है, दिल को लुभाने वाला मौसम। ये देखें पहाड़ियाँ इधर आ जाएं, क्या नज़ारा है। और देखें अभी थोड़े से बादल भी बरस रहे हैं, बारिश का इम्कान भी है। ऊपर इसके ऊपर जो है ना, जो जो रोड आपको नज़र आएगी वो किंडबरी है, किंडबरी के लिए जाता है। उसके ऊपर दो जो है ना झील हैं, लेक्स, बूडूसर और नीलूसर। एक और भी शोरसर भी कहते हैं, लेकिन मशहूर जो है ना नीलूसर और बूडूसर है। ये देखें, ये देखें वो आ गया अभी, वो माशाल्लाह। तो ये विला ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वो सामने आपको नज़र आएगा वो ईदगाह है। ये बिल्कुल सामने ईदगाह है, यहाँ अस्तोर का हेडक्वार्टर है। वहाँ सामने एक पोलो ग्राउंड भी है, यहाँ गाहे बगाहे पोलो भी खेला जाता है। लेकिन आज तक अस्तोर की पोलो टीम ने कोई भी कप नहीं जीता है। चलें इसी के साथ, सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान, नसीम गिलगिती को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।